रियल ने नया टैबलेट इंडिया में लॉन्च कर दिया है यह है रियल मी पैड टू एट जी बी टू फिफ्टी वाला वेरिएंट है और इसका जो बॉक्स है इसके अंदर ये है टैबलेट ये इंस्पिरेशन ग्रीन कलर वेरिएंट है काफ़ी अमेजिंग दिखता है डायमेंशनस भी इसका काफ़ी अलग है दूसरे टैबलेट्स के कंपैरिजन में वैसे ये स्लॉट के साथ में आता है 4G सपोर्ट बिल्ट इन वाईफाई भी है इसके अलावा बॉक्स में यह है सिम ट्रेजेक्ट पिन यूज़र मैनुअल यू एस बी टू टाइप सी केबल और थर्टी थ्री वॉट का चार्जर भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है ये इंडिया का पहला टैबलेट है जो कि एलेवन पॉइंट फाइव इंचज़ के डिस्प्ले के साथ में आता है टू के डिस्प्ले है साथ में वन ट्वेंटी हर्द्स रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है दो टोन कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है अल्ट्रा स्लिम डिज़ाइन है मेटल बॉडी लाइट वेट भी है लेकिन जो स्क्रीन का लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा है खास करके अगर आप वीडियोस देखते हैं तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है क्योंकि इसमें क्वाड स्पीकर्स दिया हुआ है डोल्बी एटमोस सपोर्ट के साथ में आता है तो विजुअल एक्सपीरियंस मतलब कि एंटरटेनमेंट के हिसाब से ये जो टैबलेट है काफ़ी बढ़िया है लेकिन अगर आप इस पर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि जो लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पसंद आए चलिए आप डायरेक्टली बात करते हैं कैपेसिटिव पेन की जो कि आई एम श्योर आप में काफ़ी लोग यूज़ करना चाहेंगे तो ये जो कैपेसिटिव पेन है इसे यूज़ करके आप इस पर राइटिंग कर पाएंगे थोड़ा सा डिले है इतना फास्ट नहीं है रिस्पॉन्स टाइम लेकिन ये जो कैपेसिटिव पेन है आप किसी भी डिवाइसेस पर यूज़ कर पाएंगे और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पाम रिजेक्शन के साथ में नहीं आता है तो अगर आप अपने पाम को टैबलेट पर रखेंगे तभी आप इस पर लिख नहीं पाएंगे तो अगर आपको कैपेसिटिव पेन यूज़ करना है तो थोड़ा सा डिस्टेंस रख के आपको इस पर लिखना होगा लेकिन आसानी से आप लिख पाएंगे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी काम में आ सकता है तो इसमें एट रैम है टू स्टोरेज है वर्चुअल रैम यूज़ करके आप टोटल सिक्सटीन जी तक रैम ले जा सकते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है टू के डिस्प्ले है और जैसे कि मैंने कहा क्योंकि इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है काफ़ी बढ़िया है मूवी वॉचिंग के लिए और इसमें क्वाड स्पीकर दिया हुआ है तो अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं इस पर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है ये आई कम्फर्ट मोड के साथ में भी आता है और ये डी डिमिंग भी सपोर्ट करता है तो एक तरह से आपको फ्लिकर फ्री परफॉर्मेंस मिलता है प्लस आपकी आंखों के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है इसमें रियलमी यू आई रन हो रहा है आउट ऑफ द बॉक्स जो कि एंड्रॉइड थर्टीन पर बेस्ड है इसमें एट एम पी रियर कैमरा दिया हुआ है और फाइव मेगा पिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया हुआ है अब ये जो टैबलेट्स है ज्यादातर के आप वीडियो कॉलिंग के लिए यूज करने वाले हैं तो वैसे सिचुएशंस के लिए काफी अच्छा है लेकिन टैबलेट से फोटोग्राफी करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा होता है इस टैबलेट में मीडिया टेक ही नाइन ऑक्टा कोर प्रोसेसर यूज किया गया है इसका जो एन टू स्कोर है ये तकरीबन फोर लैख फिफ़्टी फाइव थाउजेंड के आसपास है और अगर इसे आप कॉलकॉम सिक्स एटी के साथ में कंपैरिजन करें तो जी नाइन्टी नाइन है ये सिक्स एटी से कंपैरेटिवली बेहतर है ऑफ कोर्स इस पर आप गेम्स खेल पाएंगे लेकिन अगेन टैबलेट्स पर गेम खेलना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि इसका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा होता है टैबलेट्स बेसिकली स्टडीज़ के लिए या फिर अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है ऑफिस वर्क करना है रीडिंग करना है या फिर वीडियोस देखना है उनके लिए काफ़ी बढ़िया है क्योंकि इसका जो तो डिस्प्ले है इसका साइज काफी बड़ा होता है मल्टी स्क्रीन के लिए भी ये काफी बढ़िया होता है डुअल विंडोज आप यूज कर पाएंगे डबल एप्लीकेशन रन कर पाएंगे इसका वजन तकरीबन 518 ग्राम्स है इसमें आप एक 4G सिम डाल सकते हैं ऑन द मूव नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे एल पी डबल रैम है यू एफ स्टोरेज है एट थ्री की बैटरी है जो कि आसानी से अप टू वन डे तक लास्ट कर लेगा मिक्सड यूसेज के तहत और 33 थ्री वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है कैमरा क्वालिटी इसकी मुझे डिसेंट टाइप की लगी तो ये है रियल मी 2 टू इसका जो प्राइसिंग है ये शुरू होता है सेवनटीन ट्रिपल नाइन से ऑफर्स के साथ में बिना ऑफर्स के ये आपको तकरीबन नाइनटीन ट्रिपल नाइन में मिल सकता है लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है देखते रहिए